हेलो दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी का बाइनरी ट्यूब में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो आइए बात करते हैं। मेनली बेसिकली दो टाइप के ही होते हैं कंप्यूटर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एनालॉग कंप्यूटर एंड सेकेंड है डिजिटल कंप्यूटर। तो बात करेंगे सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर की। तो एनालॉग कंप्यूटर इज दैट कंप्यूटर विच इज यूज टू प्रोसेस चेंज कंटिन्यूअसली वेरिंग डेटा एंड आल्सो अ कंप्यूटर विच एक्सेप्ट ओनली एनालॉग डेटा इज नोन एज एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो सिर्फ एनालॉग डेटा को रीड करता है, जो सिर्फ एनालॉग डेटा को एक्सेप्ट करता है। अब बात करें यहाँ पे एनालॉग डेटा की, तो क्या होता है एनालॉग डेटा? तो ऐसा डेटा जो कंटिन्यूअसली चेंजेबल फॉर्म में हो, इट मीन्स किसी भी स्टेट पे वो फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखते हैं टेम्परेचर रीड करने वाली मशीन होती है, तो वहां पे क्या होता है, ये जो वेव होती है वो हमेशा इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। तो जो एनालॉग डेटा को जो भी रीड करता है, एक्सेप्ट करता है, उस कंप्यूटर को हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका टेम्परेचर रीड करने वाली मशीन हो गई, प्रेशर रीड करने वाली मशीन हो गई, फ्रिक्वेंसी ऑफ सिग्नल या फिर वोल्टेज वगैरह जो भी आपको यहाँ पे मिलता है वो एक सिग्नल के फॉर्म में मिलता है। इट मीन्स वेव के हेल्प से हमेशा इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल कंप्यूटर। तो अ कंप्यूटर दैट रिप्रेजेंट्स डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन बाय न्यूमेरिकल डिजिट इज कॉल्ड अ डिजिटल कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो नंबर के फॉर्म में, डिजिट के फॉर्म में। इट मीन्स नंबर और डिजिट की बात आएगी तो यहाँ पे सिर्फ 0 1 की ही बात आएगी। तो ऐसा कंप्यूटर जो डिजिटल डेटा को रीड करता हो, डिजिटल डेटा को एक्सेप्ट करता हो और उससे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज नोन एज डिजिटल कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल आपका IBM PC हो गया, या फिर मॉडर्न टाइम के जो आपके पर्सनल कंप्यूटर है, स्मार्टफोन वगैरह है, वो सारे डिजिटल कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हम लोग कंप्यूटर को और भी कई तरीके डिवाइड करते हैं, जैसे यूज वाइज हो गया, टेक्नोलॉजी वाइज हो गया एंड साइज एंड कैपेसिटी वाइज। तो यूज वाइज में मेनली हम लोग दो टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है सिंपल यूज एंड सेकंड है स्पेशल यूज। तो सिंपल यूज में हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं और मिनी कंप्यूटर के नाम से। स्पेशल यूज में वहां पे क्या होता है, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है टेक्नोलॉजी वाइज में, तो एक होता है एनालॉग कंप्यूटर एंड दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। तो हम लोग के सिलेबस में डिजिटल कंप्यूटर ही है, वही हम लोग पढ़ते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर को हम लोग चार तरह से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। एंड लास्ट पॉइंट है साइज एंड कैपेसिटी वाइज। तो यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा जो कंप्यूटर होता है हम लोग का माइक्रो कंप्यूटर होता है, फिर उससे बड़ा साइज जो होता है वो मिनी कंप्यूटर होता है, और नेक्स्ट कौन सा होता है, मेन फ्रेम एंड लास्ट सुपर कंप्यूटर। तो अगर यहाँ पे बात करें माइक्रो कंप्यूटर की, तो माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, ये हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं जैसे हम लोग का पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो ये पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे यूज होता है, इसको किसी डेस्क पे या कहीं भी आप आसानी से पोर्टेबल फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मिनी कंप्यूटर है। तो मिनी कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं और उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये स्पेशल पर्पस से यूज हो रहा होता है, जैसे साइंटिफिक पर्पस से या फिर और अलग अलग जगहों पे ये यूज होता है। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर की बात करें तो जो बहुत बड़े वर्क को परफॉर्म करता है, बहुत बड़े डेटा को जो रीड करता है, जो काफी बड़े अमाउंट में डेटा होते हैं, वहां पे सुपर कंप्यूटर यूज होता है। तो दोस्तों आज की क्लास यही तक के लिए एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।